Jumping out the whip, shit cold. Watching my step, ground froze. Most my day spent alone. Same with my bro, he knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you could check my shoes. Tryna bite this, might chip your tooth. Tryna come with you, fake no room. When it made that deal, this shit gon' pay bills. Time be on my ass, but I pull a stunt like Copperfield. Wanna see Holly's Hills, that bitch got heat for real. Sad looking past the windowsill, I've been thinking about the same shit still. And we are leaving today. ये सिर्फ मेरा सामान है, जैसे ये मुझे दिखाया था, एक ये बैग है, ये तो छाने का सामान हो गया, वो जैकेट्स हो गई, जूते हो गए, जूते एंड जैकेट्स आर द मेन. सो ये चीज़ें रखनी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. जो है वो जॉगर्स वगैरह पूरे पहन लिए, क्योंकि गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठते जाना है. कौन सा हमें कहीं घूमने जाना है, अभी तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसके बाद ही देखा जाएगा किधर जाया जाएगा. अभी बाकी सामान भी लेकर आते हैं, चलो. सो ऑफिशियली वी हैव स्टार्टेड द ट्रिप. अभी तो मुझे अपने दोस्तों को पिक करने जाना है, यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रिप मीटर को जीरो. तो इस कहानी को एंजॉय करने के लिए आप सबके साथ जुड़ेंगे मेरे दो दोस्त, उनको लेने चलते हैं एंड उनका परिचय भी कराते हैं आपसे. आप में से काफ़ी व्यूअर्स जानते होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे स्कूल से भी फॉलो कर रहे हैं, वो जानते होंगे, अच्छी बात है. पर साथ ही साथ हम मिल पाते तो हम दोस्तों से पहुँचते हैं उनके घर पर. तो अपडेट तो ये है कि अपना एक दोस्त है, वो तो उठानी दूसरे को उठानी. सो भाई अब जाकर आए हैं यहाँ पर, सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं. एक बार प्रॉपर डे लाइट वगैरह हो जाए उसके बाद इंट्रोडक्शन कराता हूँ सबका. एक बार चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं सीधा हाईवे पकड़ते हैं, और कहीं जब यहाँ रुकेंगे ना, जो हमारा अगला स्टॉप होगा वहाँ जाके इंट्रोडक्शन कराएंगे, बातचीत शुरू करेंगे वहाँ से. चलो भाई. तो ये जस्ट थोड़ी सी अंगड़ाई लेने के लिए बाहर गए हैं. फर्स्ट टोल पार करते के साथ ही दिक्कत ही हुई, हमारे फास्टैग के अंदर रिचार्ज ही नहीं है. बताओ ये कैसी बात हुई, मतलब ट्रिप पर निकले और फास्टैग के अंदर रिचार्ज नहीं है. सो दिस इज़ आर ऑफिशियल फर्स्ट ब्रेक, क्योंकि रास्ते के अंदर ना कोई ढाबा था, ना कोई खाने की जगह थी, ना कुछ ओपन था. ये होता है यार, जब स्कूल के दोस्त मिलते हैं, पुराने पुराने, हरकतें वही रहती हैं. जैसे मैंने आपको बोला था, दिमाग वही है, दिल वही है, बस उम्र उम्र का फर्क है. दिल वही है, दिल भी, तेरा दिल भी है. आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाते हो एंड ऐसे ड्राइववे पर रुकते हो, ये भी बताना है. मुझे पराठे खाने थे यार, तुम बर्गर खिला रहे हो. अभी आगे चाय के लिए रुकेंगे ना, पराठे खा लिए तुम्हें. मेरे घर वाले ब्लॉग देखेंगे ना, ये वाला पिटे हैं पकड़ के. मैं सुबह समझा के भेजा था 5 बजे पराठे खाने हैं. समझा आप जितना भी लोग काम अलग ही होता है. मुझे लगा ये ड्राइव थ्रू. संतो यहाँ पे ड्राइव थ्रू है, हम अंदर घुसे. ये 5 लोग यहाँ पर खड़े होंगे और ये देख रहे होंगे कि इनकी गाड़ी रुकी और ना मैंने जाके कैमरा रखा, तो कह रहे हैं ये गटर का ढक्कन में क्या करा. वो सोच रहे होंगे ये अलग हो गए, पागल हो गए. इसको लगा ड्राइव थ्रू का मतलब होता है बस ड्राइव करके. थ्रू मैं कैमरा रखने आया था, फिर गाड़ी घुमा दी, 2 बार घुमा दी गाड़ी, फिर उतरा. तो ये ड्राइव थ्रू में जाएगा या तो ये 9/11 यहाँ कर. अब सीन ये हो गया है ना, पीछे का जो बल्ब है वो हो गया फ्यूज़. फ्यूज़ का पता नहीं कैसे हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट है ना कोई कुछ है. हो गया भाई, चले बॉयज. चलो बॉयज. सो अनुराग इज ड्राइविंग राइट नाउ. तो अब वो F1 वाली कहानी सुना दे. अगर एक सेकंड रुकना है. ओके बेबी प्लीज कंटिन्यू. एक बार यहाँ पर अच्छी वाली लोकेशन आ जाए, व्यू वाली लोकेशन आ जाए, फिर आपको यहाँ से मिल रहा हूँ सीधा वहाँ पर. अभी तब तक आप इसकी शक्ल ही देखिए, खेत देखने लायक अभी है. आपको अपनी पहली डेस्टिनेशन That's that word when you heard my head full of steam. I got lucid dreams, I make movie scenes. That's not new to me. Greek gon' kill ice cream, ego my enemy. My heat got entropy, it's all just chemistry. Lemonade sippin', I was in class tryna get my wishes. Dirt on my plate so I had to clean dishes. Knew that I'ma do this, I just had that feeling. You ain't gon' live like me.
These highs be too. मैं अंदर कर ले इनको. ठंडे करेगा पैर. ले जाएगा कोई सॉक्स उतार के. ओह ले गया. They pinning me too trifling. Don't like love, only do the flings. I think she the one, she the one, she the one for me. She the one, she the one, she the one I need. Then I think fuck that bitch. I just wanna fuck, gotta scratch that itch. Only 19, love don't make no sense. I don't wanna ask where all my time went. तो complete forest area ना यहाँ पर. हर जगह warnings and sign boards लगे हुए हैं जानवरों के. किसी deer के लगा हुआ था पीछे? Deer नहीं है. Deer का है मैंने यहाँ पे. ये जो sign board अभी है. यहाँ पे डियर के साइन बोर्ड है कि कभी रोड पर आ जाए तो सो गो स्लो एंड बी केयरफुल एंड रात को मत आओ एंड बीच में गाड़ी मत रोको. ओके सो वी आर फाइनली एट आवर डेस्टिनेशन द लीरॉय कॉर्बेट जिम कॉर्बेट. फाइनली फाइनली वी हैव रेस्टेड. शांति के अंदर जो मैं स्पीकर लेकर आया उसमें गाने कैसे बजाएगा तू? साथ शादी है क्या? म्यूट म्यूट करके बजा ले. कह रहा हूँ बस आज शादी है. डाइनिंग काफ़ी अच्छी है. या मास्क उतरी गया अब क्या पहन उसको. अलग ही वाइब आ रही है ना. फ्रेश सुबह फ्रेश. होटल में घुसे हुए 5 मिनट नहीं हुए हैं कि रूम हमारा इतनी बुरी तरह फैल चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर रूम टूर देने के लिए तैयार हूँ. दिस इज आवर रूम. यहाँ पर जो वॉशरूम बाद में दिखाता हूँ. दिस इज सिंगल बेड. जो डबल बेड है यहाँ पर एक सिंगल बेड है. शेड्स एंड लाइटिंग भी अच्छी है. दूर है वैसे यार. एंड द मेन आई कैंडी ऑफ दिस रूम इज दिस व्यू. दिस स्पेसिफिक व्यू विद अ पूल एंड दिस हट. एंड काश अगर ये बिल्डिंग ना होती तो इसके पीछे यहाँ से पहाड़ियाँ भी दिख रही थी. पर कोई बात नहीं, इसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है. अब क्या करना है? अब नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं एंड खाने जाते हैं. भाई अब नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद खाने जाते हैं. क्योंकि पिछले 24 घंटों में या 48 आवर्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे सोया हूँ. एंड आई एम फटी फटी फटी. मैं बाद में मिलता हूँ आप लोग उससे. Hey guys, ये नहीं सुधरने वाले. So let's get freshen up and then meet you all for going lunch पे जाएंगे बाहर. हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ. सो अभी नहा धोकर अभी एकदम तैयार हो गया है. हुडी मैंने ये वाली पहनी है, जीन्स ये वाली ली है, शूज वगैरह पहन लिए. अभी जा रहे हैं लंच करने. इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं एंड लंच करने चलते हैं अपना. देखते हैं आसपास. मेरे तो होटल से खाने का बिल्कुल मन नहीं है. मैंने ये सोचा है कि यहाँ इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा आसपास जाकर खाएंगे या तो लोकल खाएंगे. देखते हैं, बाहर चलते हैं. ओए वो मेरी लाइट बंद करके चले गए. This my niche, play my role. What you hold, little boy, best on reach. Your shit dirt, you get curved. अगर मेरा इतना मन कर रहा है ना यार, दाल मखनी, नान, शाही पनीर. आप जो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, आधे ज्यादा स्टोरी तो मेरी फूड की आती है. फूड चैनल घोषित कर देंगे लोग. तेरे को वो ही खिलाएंगे, ठीक है? सॉरी. Sorry, with that ease, hella clean, rips all on your knees. That's that work when you hurt. फिलहाल तो अभी ये सीन है कि रेस्टोरेंट ढूंढा जा रहा है कि कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, भूख इतनी लगी हुई है एंड एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पर बैठ कर खा सके. यू नो एक मन की सेटिस्फेक्शन होती है ना कि अच्छा सा खाना मिल जाए और एक बार में मिल जाए. अगर एक घंटे तक और नहीं मिलता तो बेहोश थे, लिटरली बेहोश थे. एक घंटे कुछ ज़्यादा बोल गया तुझे. एक घंटा ज़्यादा हो गया ना, आधा घंटा. 15 मिनट से ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पा रहा था. जस्ट हैव अ फूड. एक बार खाना खाते तसल्ली से पेट भर के एंड देन रिव्यू शेयर करेंगे अगर. ओके सो वी हैड अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेट लंच. थोड़ा सा बाहर आ जाओ. सो वी हैड अ ग्रेट लंच. हाँ भाई, लंच कैसा था? बहुत बढ़िया. वैसे तो 5 जरूरी है, ठीक है, जिम कॉर्बेट में. गाइस इन्होंने बोला है तो आ जाना. बिल्कुल आ जाना. मैं एक रेस्टोरेंट विलेज वाटिका, इसका रेस्टोरेंट का नाम है विलेज वाटिका. तो फूड वाज मेरे हिसाब से 3 out of 5 और तेरे हिसाब से 3.5 यार, भूख के हिसाब से यार. क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है ना ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट्स की, तो यही वाला अच्छा है. भाई ठंड हो गई है मुझे लग रही है. अच्छा हो गई है भाई, लग तो रही है. अभी आता है तो गर्मी लग रही थी, पंखे चला दिए थे कमरे के.
भाई हाथी कितना बड़ा होता है ना सबसे, मैं सच में पहली बार देख रहा हूँ इतने पास से भाई। आ गया आ गया आ गया आज रात गाइस हम शेप में ला के छोड़ेंगे के सामने पहले खड़ा है। पता है मेरा एक दोस्त था वो बेचारा नाले में गिर के बह गया। Now we are heading towards Ramnagar for some exploration of the city. देखते हैं आसपास क्या होता है, क्या है क्या नहीं है। हवा की आवाज़ आ रही होगी एंड यस देखते हैं क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल न्यू हेयर। तो जो आपने जीप अभी देखी उसके लिए एक सफारी होती है प्रॉपर, जिसको टाइगर एक्सप्लोरेशन कह लो या जीप सफारी कह लो, कुछ भी कह लो, ये करने वाले हैं हम अगले ब्लॉग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग क्योंकि वो होगा टोटली ऑन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक्सप्लोरेशन। टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा वो बात की बात है, पर जंगल एक बार दिख जाए उसमें तसल्ली हो जानी है हमारी। हम कौन सा वहाँ पर टाइगर की उम्मीद लेकर आए, टाइगर दिखेगा नहीं तेरे को, दिख जाएगा So guys, this was all for today. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यहाँ तक। दूसरी चीज़, रूम बहुत मैसी है, दिखाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। रूम टूर में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, रामपुर गए थे, वहाँ की सिटी के अंदर इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था तो फिर मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि जो मेन चीज़ है यहाँ की वो है जिम कॉर्बेट की सफारी, वो होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सो वेट टिल द नेक्स्ट व्लॉग अराइव एंड जो आपको बताने जाता हूँ Monster, ये लग रहा है अभी थोड़ा सा मेसी, बट ये इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगी एंड मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को। सो इसका जो ब्लॉग है, इसके जो फीचर्स है वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी यू, क्रिएट न्यू, लेट्स एंड दिस ब्लॉग, साथ मिलकर कर दें। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ब्लॉग विद माई फ्रेंड्स यार, आई होप आप सबको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो एंड आप एंजॉय करें और आने वाले वीडियोज़, क्योंकि ऐसी हरकतें तो देखो चलती रहेंगी एंड ऑन कैमरा ये चीज़ें मुझे शेयर करने में स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, मज़ा आने वाला है क्योंकि जो सब्सक्राइब एंड शेयर। अरे रुको, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, बी यू, क्रिएट न्यू मीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून, जो होने वाली है हमारी द सफारी ऑफ जिम कॉर्बेट। और शेयर देखने जाएंगे, शेयर लेकर आए ना, लेकर आए हो भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करके जाना, उसने कहा है ना जैसे, हाँ सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना मुझे, ठीक बस इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर। I've been planning for a while now, no sign tell me stop. One day we gon' climb your top five, grow it every drop. All night you just wanna get high, next day you forgot. Thought I told you that. This my niche, play my role, what you hold? Little boy best on reach. Your shit dirt, you get curved, I just saw and reap. With that ease, hella clean.